press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ हाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यस बोलो। हाँ मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, बस ऐसा है कि याद करती हूँ कि पिछली बार मैंने क्या किया था। तो अगर पिछली बार मैंने कुछ छोटे छोटे कपड़े पहने थे तो इस बार कुछ अलग कर देती हूँ। और मैंने बहुत टाइम से साड़ी नहीं पहनी थी शायद, है ना, बहुत टाइम से नहीं पहनी ना, तो बस इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है तैयारी करने का। बहुत ही हेक्टिक रहता है स्केड्यूल मेरा, थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। घर में बेटी भी है जिसको मैं ही देखती हूँ अकेले, तो इतना वक्त नहीं मिलता। लेकिन कोशिश करती हूँ कि शो नॉमिनेटेड है और मैं नॉमिनेटेड हूँ तो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगे। नहीं रुबीना अब जाके शादी कर रही है, उसे छुट्टी ले रखी है, तो सारा बोझ तो मेरे सर पर है, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं उसके लिए, मैं बहुत इमोशनल हूँ इस चीज़ को लेके। मैं बहुत अटैच्ड हूँ रुबीना से और उसकी शादी का हिस्सा मैं नहीं बन रही हूँ, लेकिन हाँ शादी की पार्टी होने वाली है यहाँ पे, जिसमें मैं बहुत तहलका मचाऊंगी और खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने रुबीना को ये पूछा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तुम्हें चाहिए कि पूरी यूनिट मिलकर तुम्हें गिफ्ट दे या सब अलग अलग दे, तो मुझे कहती है कि मुझे सॉलिटेयर चाहिए। तो मैंने कसम खाई कि दोबारा नहीं पूछूंगी कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। देखिए मैं लोगों को ऐसा लगता है कि काव्या पंजाबी शायद से एक मजाक है, काव्या पंजाबी का नाम उसके हर एक दोस्त के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन दो आई डोंट नो एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी आप लोग हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए आप लोगों को बता देती हूँ कि ही इज़ अ वेरी 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 डियर फ्रेंड। और नाम जोड़ने से ना हमारी दोस्ती टूट जाएगी और ना ही वो रिश्ता जुड़ जाएगा जो आप लोग जोड़े जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि इससे तकलीफ़ भी होती है और परेशानी भी होती है। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसके साथ मेरा नाम ना जोड़े। आप सब जानते हैं कि काव्या पंजाबी बहुत ही बिंदास औरत है, जिस दिन मुझे प्यार होगा आप सबको पता चलेगा और एकदम डंके की चोट पर पता चलेगा। आई डोंट नो बट मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना है कि इस बार और भी अलग है और कुछ और ज़्यादा बोल्ड और स्कैरी होने वाला है, तो डेफिनेटली हर साल की तरह मैं इस साल भी एक्साइटेड हूँ बिग बॉस को देखने के लिए, और देखते हैं कि कौन पसंद आता है और किसे सपोर्ट करती हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त राजीव ठाकुर, मैं शायद उसके साथ जाना पसंद करूँगी। और बहुत सारे ऐसे तो कविता कौशिक मेरी बहुत क्लोज है, सुचित्रा पिल्ले मेरी बहुत क्लोज है, मानसी सालवी एंड कुणाल कपूर, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं रह सकती हूँ। ओके थैंक यू। ये पता मुझे ऐसा लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हाय वेरी वेल। हाँ ये क्या है आपका शेरलॉक? पता है क्या बताया जाता है क्या? मुझे पता है। बेस्ट एक्टर है क्या? मैं भी हूँ। हाँ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट जोड़ी, बेस्ट बॉडी, ये पता था।
बेस्ट बॉडी नहीं फिट एक्टर, बेस्ट बॉडी क्या होता है? वही जो मतलब है फिट एक्टर क्या होता है? हाँ जी हाँ। मुझे लगता है एक्टर एक्टर का मिलना तो चाहिए, एक्टर एक्टर का तो मिलना चाहिए। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड मे बी विन ऑल द अवार्ड्स, व्हाई नॉट, लेट्स होप फॉर ऑल ऑफ देम। जी मैंने बहुत सारा गोल्ड पहना और गोल्ड अवार्ड्स हमारा इंतजार कर रहा है, तो हमें जाना चाहिए। थैंक यू।